मेरे डुकाटी पुराना वाले। आप भी सोच रहा हो कि ये हम क्या डाल रहा है, तो ये है केरोसिन। इसका काम है कि जितना भी रास्टिंग चीज होता है सब इससे निकल जाता है जल्दी बहुत। तो स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन अपन का साइकिल को कलर लगाने वाला है, तो आप लोग अंत तक देखते रहे कैसे करते हैं हम लोग कलर। तो सबसे पहले सब खुल के अभी हम लोग इसको जो कलर है ऑन कलर उसको सफा करके वाइट कर देना है, उसके बाद लगाएंगे हम लोग नया कलर। ओके, तो बनते रहना। जिंदगी में आप लोग ऐसे वाला देखा ही होगा, क्या बोलते हैं, क्या नाम है अगर पता नहीं है, पहली बार देख रहा है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, श्री का। तो इससे करते हैं हम लोग रगड़ने वाला पेपर। तो अब हम करेंगे कटिंग, वो जितना भी अनवांटेड लेयर है सब उसको कर देना है प्लेन। अब ये हो गया कंप्लीट एंड रेडी। चलो फिर ये गरम है तो प्लास्टिक के साथ करते हैं टेस्ट, जलते है कि नहीं। अरे भाई नहीं जलता है। तुमको पता है सनसे बंदर का रूप में आ जाना पड़ता है, खलास क्लीन हो रहा है ना, देखो तो देखो क्लीन हो रहा है। अब चलो फिर कलर लगा के देखते हैं। अभी कलर लगा रहे हैं मेरे इस साइकिल बॉडी में ब्लैक, और जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे ग्रीन ही लगाना है। अभी इसको सुखाना पड़ेगा और उसके बाद नेक्स्ट करेगा ग्रीन कलर में। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ग्रीन में अगर ब्लैक लग जाए तो गलती हो जाएगा, और ब्लैक में अगर ग्रीन लग जाए तो बहुत गलती होगा, तो इसलिए पहले सुखा अच्छा से सुखाना पड़ेगा। तो ये लो हैंडल में लगाते हैं ब्लैक कलर, और इसको हम लोग करेंगे ब्लैक एंड वाइट कलर। ओके, देखते हैं क्या होता है बाद में। हम लोग इसमें फिर से डालेंगे हाउ टू रियूज द स्प्रे। सो सबसे पहले हम लोग ये खाली हो चुका था, तो इसलिए इसको रियूज करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग नीचे पे अभी होल बनाया है। अब ये देख सकते हैं एक होल है, तो इसमें से देखते जाइए क्या करते हैं, पता चल जाएगा। ऐसे करके हम लोग आप लोग भी रियूज कर सकते हैं, तो देखते रहिए। ये क्या है? ऐसे लग रहा खुफिया में कोई है क्या? ये तो वास बोल ही रहा था, गिर गया अंदर में। क्या बोल रहे इसको? तो किसी भी चीज से आप लोग बंद कर सकते हैं। तो हम लोग ये बाइक का वॉशर है, बाइक का वॉशर से बंद कर रहे हैं। तो बंद करने के लिए आप लोग को चाहिए होगा स्क्रू एम सील। तो ये है एम सील,
तो एम सील से मिलाने लेना पड़ता है। हाँ नहीं मिलाने से क्या होता है? इसे नहीं मिलाने से ये रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं मतलब, मतलब चिपकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। हाँ इसको अच्छी तरह से मिलाना चाहिए ताकि ये बहुत अच्छा से चिपक जाए। तो कुछ इस तरह हम लोग मिला के अभी इसको पानी में मिलाना चाहिए क्या? तो उसको हम लोग बंद करते हैं अभी, थोड़ा पानी मिला के थोड़ा अभी बंद करते हैं ताकि इससे हवा नहीं निकले। ऐसे लगाए ताकि इससे हवा ही नहीं निकले। तो सब कुछ रेडी है अभी, देख लीजिएगा गाइस सब रेडी। बस इसमें पाम डालना है, जैसे हम लोग बाइक में पाम डालते हैं पाम्पर से, वैसे पाम डालना है इसमें। इससे पहले हम लोग इसमें कलर डालना है। अभी सब कुछ होके अभी थोड़ा एमसील अभी गीला है तो इसको हम लोग यहाँ पे सुखा देते हैं, धूप में डाल देते हैं। और बहुत सारा कलर लगाया हुआ है या फिर अभी रखा हुआ है, अभी तक सूखा नहीं, तो यहाँ पे सुखा रहो हम लोग बोरी सोडी सब अभी। तो यहाँ पे देखिए गाइस हम लोग कर क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट हैंडल करना है, तो इसलिए जहाँ पे हम लोग ब्लैक रखना है तो वहाँ पे हम लोग सिलो टिप लगा रहे हैं। तो अब लोग देखते जाए क्या होता है। तो अभी सिलो टिप का काम हो गया, जहाँ पे ब्लैक रखना है तो वहाँ पे सारा जगह हम लोग सिलो टिप लगा चुका है। तो अभी बाकी रहा सिर्फ कलर लगाने का, तो चलिए फिर कलर लगा, कलर के साथ खेलते हैं। अभी होली कंप्लीट हो चुका है हैंडल से, अभी करेगा चिपक गया, इतना चिपक गया, इतना ड्राई हो गया कलर की चिपकली भी चिपक गए आप। तो आप लोग के सामने अभी रेडी हो गए, तैयार है सभी कलर, सभी जगह में कलर लगा चुका है। तो अभी बाकी है सुखाने का और देखते हैं क्या होता है। 2000 years later। तो एक रात बीतने के बाद तो हमारा इस अगला स्टेप होगा इसमें कलर डालना। तो इस पाइप के मदद से हम कलर तो डाल चुका है, तो अभी क्या करना है आप लोग देख लीजिए। तो अभी जो हम डाल रहा है ये है बोल्टू, तो इसको यहाँ पे लगा के इसको हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के मदद से टाइट करता हूँ और देखते जाइए क्या होता है। तो हम अभी टाइट कर रहा है, चलो तो फिर हम लोग का टाइट करने का काम हो गया है। तो अब इसमें हम अभी पंप डालना है पंपर के मदद से, चलो। एंड देन उसके बाद पंप डालने के बाद सब कुछ रेडी है, इट्स रेडी फॉर यूज। तो फिर चलो सब कलर वाला लगाने का काम हो गया। अब मेरा साइकिल को फिर से वापस दोबारा जोर देते हैं पहले की तरह चलने लायक। फाइनली अभी मेरा साइकिल हो गया है कंप्लीट। अभी लगभग 2 दिन हो चुका है कलर लगाया, अभी उसका फल मेरा आप लोग को दिखाने वाला है। और हमें मेरा साइकिल कलर पूरा हो चुका है और आप लोग के सामने आप लोग मेरा साइकिल देख लीजिएगा कैसे हुआ है। मुझे थोड़ा अच्छा लगा लेकिन जितना मेहनत किया उतना नहीं मिला, उतना फल नहीं मिला हम लोग को। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कलर लगाया, जो वो सिलोटिप जो लगाया ना वो चला गया और देख ही सकते हैं कैसे हो गया। पहले तो आप लोग देखा ही होगा पूरा पुराना था, अभी थोड़ा नया हो गया, देख लीजिएगा गाइस। ये रहा अपन का साइकिल, तो थोड़ा चला के देखते हैं कैसे होता है। यार गाइस पूरा सुपर नाइस ब्यूटीफुल, चलो लेट्स गो। वो अरे ज्यादा उम्र हुआ कितना बड़ा है, तो एक किस ने बोला एक किस ज्यादा है, कितना किसी होगा एक किस ज्यादा है,